हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी का हम फोर्थ एपिसोड लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम ये बात करते हैं कि मार्केट कब डिफरेंट बिहेवियर करता है या कुछ एक्साइटिंग बिहेवियर करता है या लोगों को समझ नहीं आता मार्केट, तब हम ये जो है सीरीज लाते हैं और चार्ट को रीड करते हैं। और बहुत लोग बोल रहे कि आज मैं लाइव आया था 3 घंटों के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यूट्यूब खोल तो ऑलमोस्ट 2 आवर 47 मिनट्स के लिए लाइव था, जहाँ पे मैंने ट्रेड्स दिए और बहुत सारे एनालिसिस किए। लाइव आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं चैट करते थे, बहुत सारे एनालिसिस भी किए, लोगों के इश्यूज क्वेरीज भी सॉल्व किए। तो आज जब मैं लाइव आया था तो मैंने एक ट्रेड दिया था, ठीक है। अभी मैं आपको ये क्लिप दिखाऊंगा, आप ये क्लिप देखना। इसके बॉटम में आपके टारगेट्स, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट देख के बायर्स ने ब्रेकआउट समझ के एंटर किया है, आपको अभी सपोर्ट पे तब का ये टारगेट आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अभी ये रेजिस्टेंस क्रॉस की है, जिन बायर्स को बॉटम पे प्रॉफिट हुआ है वो लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है, वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो बायर्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है तो ये प्रिडिक्शन है, ये एनालिसिस है, लास्ट 1 आवर है। अब इसमें पता चलेगा मार्केट कैसे मूव करता है। चलिए जाने दो, ऊपर गया, फिर उसके बाद दोबारा उसी जगह पे आया जहाँ पे मैंने सुबह एंट्री ली थी, इस लाइन पे। तो अब हमारी वापस एंट्री, मैंने आपको कहा एंट्री ले लो। अब ये ऊपर चला गया, ये फिर से रेजिस्टेंस क्रॉस किया और फिर रिवर्स हुआ, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब एंट्री हमने स्टॉप लॉस सेम लगाया जो सुबह का ट्रेड था। अभी अपनी ये क्लिप देखी और इसमें अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ट्रेड था, कैसा ट्रेड था, तो ध्यान से सुनना। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एनालाइज करूँगा, दोनों के चार्ट्स रीड करूँगा। सबसे पहले हम हमारी जो ट्रैप ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उस हिसाब से आप देखो, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये खुलते से ही हमारी जो ये लाइन थी वो एंट्री लाइन थी और इसे क्रॉस करते से तुरंत मैंने एंटर किया था और ये टारगेट मेरा 1 था, ये टारगेट 2 था और ये टारगेट 3 था। तो मैं टारगेट 2 तक वेट किया, 3 के लिए मैं वेट कर रहा था, मैंने ट्रेलिंग लगाया। जब मैंने देखा कि यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ से ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है। रिवर्स होने के मतलब क्या, यहाँ पे कुछ लोगों ने ये सपोर्ट समझकर जो इसे सेल किया था, ठीक है, सेल किया था ब्रेकआउट समझकर, उसके वजह से ये रिवर्स हो गया। तो मुझे समझ गया अब ये जो है सेलर्स के लिए एक ट्रैप बन चुका है और अभी यहाँ से मार्केट रैली करेगा। तुरंत मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद मैंने बाय के लिए ट्रेड ही नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था सेकेंड एंट्री का। मुझे पहले एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है इस जगह से वापस रिवर्स खाएगा और यहाँ से ट्रेड लेगा, तो मैंने पहले यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए कहा था। शॉर्ट करने के लिए कहा था मतलब यहाँ पे मैंने कहा था वेट करो, ये ब्रेक होने दो और फिर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट ये ब्रेक नहीं कर पाया, अब देखो यहीं पे रेजिस्टेंस ले पाया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा और उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मार्केट बाद में रिवर्स हुआ। कैसे रिवर्स हुआ, अभी देखो जहाँ से पहले मार्केट गिरा था, ठीक है, जहाँ से पहले मार्केट गिरा था, कहाँ से गिरा था मार्केट, मार्केट गिरा था यहाँ से, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से बन चुकी थी, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल थी। तो हमने क्या किया, वापस दोबारा इस लेवल पे आने दिया। अब ये जब लेवल क्रॉस हुआ, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये जब लेवल क्रॉस हुआ और मार्केट क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा घूम के यहाँ से नीचे जाने लगा, तो मैंने कहा कि आप एंटर करो, यहाँ पे शॉर्ट करो, ठीक है। और बैंक निफ्टी का साइमल्टेनियसली चार्ट देख रहा था मैं, बैंक निफ्टी बहुत वीक दिख रहा था, मतलब बैंक निफ्टी में एक ट्रैप बन चुका था। तो मुझे पता चल गया कि निफ्टी ज़्यादा वीक है, इसलिए मैंने निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लिया और निफ्टी का मैंने आपको ट्रेड दिया और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको BTST के लिए दिया। उसके बाद मैंने कहा कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, जैसे कि आपने लाइव में देखा। और उसके बाद मार्केट तुरंत हमारे जाके टारगेट हिट कर दिए। और अभी अगर बात करेंगे तो मार्केट जो है अभी थोड़ा रेंज बाउंड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज, देखो सेलिंग का फॉर श्योर शॉर्ट सेलिंग होने वाली है मार्केट में बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में। लेकिन अब मार्केट क्या होगा कि जैसे ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, तो अब थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने मिल सकती है। लेकिन डाउन द लाइन ये वॉलेटाइल भी हो गया तो नीचे जाएगा, तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। अगली बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे देखो इसका ऑलरेडी चार्ट बना दिया है,
और आप कल देखना कि ये कैसे बिहेव करता है, मैं कुछ नहीं करता। और इसका जो रीज़न है देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो सपोर्ट पर आया, मार्केट ने रैली की और ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट क्या हुआ, फेल हुआ। ब्रेकआउट फेल होने के बाद यहाँ से तुरंत रिवर्स खा गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो लेवल है यहाँ से फिर से दोबारा बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ से दोबारा बाइंग हो गए। अब जो लेवल थे रेजिस्टेंस लेवल, ये वाली लेवल देखो जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब दोबारा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन किया, अब क्या हो गया, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर हमारी एंट्री ट्रिगर होने के बाद मार्केट हमें ऑलमोस्ट 1:1 अभी दे चुका है, यहाँ पे 1:1.5 दे चुका है बोल सकते हो। और हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुले या जाते से हमारे टारगेट हिट हो, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। क्यों, देखो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की पावर देखो, जब भी इसको हिट करता है मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे थोड़े स्पेस से बचा फिर गिरा, यहाँ पे टच किया फिर गिरा, अब क्या कर रहा है यहाँ पे दोबारा टच कर रहा है। तो आप इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, ये ट्रेंड लाइन की बहुत पावरफुल है और इस ट्रेंड लाइन में करंटली बैंक निफ्टी जा रहा है, ठीक है। और ये ब्रेक कब होगा, जब ये जो लेवल है ठीक है ये कम कम होती जाएगी और यहाँ से फिर ये जब नैरो डाउन होगी तब ब्रेक हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे रैली हो चुकी है बायर्स की, अब ये डायरेक्ट अभी ऐसा ब्रेक नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, सेलर्स हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। तो आपको अभी रेजिस्टेंस पे आया है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, ठीक है। इसलिए बिग पिक्चर में अगर आपको सेलिंग दिख रही है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको जो है बेरिश होना है। अगर एक और प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक डबल टॉप हमें देखने मिल रहा है। तो अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, पैटर्न हो गया, हर कुछ हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो जो भी पूछ रहे थे कि क्या आपने कैसे प्रिडिक्ट किया, क्या लॉजिक था, तो ये लॉजिक था। होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे आपके। जो भी न्यू व्यूवर्स है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैं रोज़ लाइव आते रहूँगा तो लाइव भी ज्वाइन करना, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ट्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।